और दूसरे राज्यों से अपने घरों को लौटे श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने रोजगार की व्यवस्था शुरू कर दी है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे कि कामगारों की आजीविका चलती रहे। तो घर आते ही हम लोगों को रोजगार मिल गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो हम लोग सही से हैं, अब अच्छे से हैं। हाँ, एकदम खुश हैं, बहुत खुशहाल हैं। अब बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। काम मिल रहा है? काम मिल रहा सर, कोई दिक्कत नहीं। वापस नहीं जाना? नहीं, वापस नहीं जाना। वहाँ जो सरकार थी बहुत परेशान की थी, जो वहाँ के लोकल थे उनको मिला था, जो यहाँ के उनको नहीं मिला था यूपी के। ये वो दर्द है जो दूसरे राज्यों में इन मजदूरों को मिला है। लॉकडाउन में काम नहीं था तो पैसे कहां से आते, और पैसे की कमी ने घर के चूल्हे को जलने नहीं दिया। ऊपर से दूसरे शहरों में मकान का किराया, इन सब बातों ने इन मजदूरों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब ये सभी खुश हैं। घर लौटने की खुशी तो है ही, साथ ही इस बात की भी खुशी है कि इनको घर आते ही काम मिल गया। मुंह पर कपड़ा बांधा, फावड़ा उठाकर शुरू कर दी रोजी रोटी के लिए मेहनत। लॉकडाउन में ऐसी तस्वीर अपने आप में सुकून देने वाली है, वो भी तब जब काम धंधे ठप पड़े हों। ये सभी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते थे, लेकिन कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने सभी को एक एक रोटी के लिए मोहताज बना दिया। दिल्ली से लौटा रॉबिन अब घर आकर खुश है, काम कर रहा है। मनरेगा के तहत रॉबिन को काम मिल गया है, जिसने उसके पेट भरने की टेंशन को खत्म कर दिया है। सर, हम दिल्ली रहली हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम करत रहनी है। काम करत करत मतलब ये लॉकडाउन हो गया, तो मतलब हम घर चले आए। तो घर पे आते ही हम लोगों को रोजगार मिल गया मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, और अपने दीपक सिंह प्रधान जी से। बहुत बहुत मतलब अच्छा किए हैं, हम लोगों को मनरेगा का काम मिल गया है। हम लोग अच्छे से खा रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया से हैं। बाहर जाने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर पर गमछा और कंधे पर फावड़ा, ये है परशुराम। पेशे से राजमिस्त्री हैं, दिल्ली में काम करते थे, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बंद करा दिया तो घर आना पड़ा। परशुराम का लॉकडाउन में हुई परेशानी से शहर का मोह भंग हो गया है, अब वापस नहीं जाना चाहते, यहाँ सुकून में हैं और काम कर रहे हैं। अब वहाँ जब बंद हो गया तो सर हमें 20-22 दिन हो गया वहाँ से आए हुए, तो यहाँ जो है सरकार की योजना से फिर हमको पुराना मनरेगा दीपक सिंह के द्वारा जो है काम को मिल गया, फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए। बहुत खुशहाल हैं, अब बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं सर। नहीं है? काम मिल रहा है? काम मिल रहा सर, कोई दिक्कत नहीं। वापस नहीं जाना? नहीं, वापस नहीं जाना। इन्हीं सभी मजदूरों में से एक हैं यशपाल, जो काम धंधा बंद होने के बाद घर वापस आ गए। यशपाल का कहना है कि ना खाने को मिल रहा था और ना ही रहने की कोई जगह थी, ऐसे में वहाँ उनके साथ भेदभाव हुआ। यशपाल का कहना है कि वहाँ लोकल लोगों को राशन दिया जा रहा था, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं। यशपाल वापस नहीं जाना चाहते, यहीं रहकर काम करना चाहते हैं। पहले हम लोग दिल्ली में गए थे, लॉकडाउन को फंस गए थे, वहाँ खाने की परेशानी हो गई, जो काम करे था आगे से पेमेंट आ नहीं रहा था। वहाँ जो सरकार थी बहुत परेशान की थी, जो वहाँ के लोकल थे उनको मिला था, जो यहाँ के उनको नहीं मिला था यूपी के। तो हम लोग कई परेशानी, पैसा नहीं मिलता, हम लोग खुद पैदा आए थे, 70 किलोमीटर पैदा आए थे, वो भी रात को निकले 10 बजे, दिन में निकल रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन इन मजदूरों को काम दिलाने में एक और शख्स है जिसकी भूमिका सबसे अहम है, वो है यहाँ के ग्राम प्रधान दीपक, जिन्होंने दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों की रोजी रोटी के बारे में सोचा। ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत सभी को काम दिलाया और घर में चूल्हा जलता रहे इसका इंतजाम किया। हमारा मखना गाँव ग्राम पंचायत 300 परिवार को 300 वर्कर प्रतिदिन यहाँ लोग काम कर रहे हैं, और सब लगभग 60% लोग बाहर से ही आए हैं जो यहाँ पे आज काम कर रहे हैं। आज लगभग 10-15 दिन से काम, 15 दिन से यहाँ काम चल रहा है। 300, 350, किसी किसी दिन 400 वर्कर यहाँ पे मजदूर साथी काम करते हैं। अब मेरे मजदूर साथी बाहर जाने के लिए नहीं तैयार हैं। ये मजदूर तो काम कर रहे हैं, खुश हैं और वापस नहीं जाना चाहते। मजदूरों का मानना है कि भले ही 2 पैसे कम हैं, लेकिन घर पर हैं। यहाँ ना काम की कमी है, ना ही रोटी की टेंशन। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों ने उन लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जहां ये काम किया करते थे, क्योंकि शहरों में चल रही ज्यादातर फैक्ट्रियां प्रवासी मजदूरों के भरोसे ही चलती हैं।
ऐसे में इन मजदूरों के वापस न जाने का फैसला फैक्ट्री मालिकों के लिए कहीं परेशानी न खड़ी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।